आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर बाय जी इंटीरियर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कोरोना से संबंधित है, आखिर कितना घातक है कोरोना का भारतीय वेरिएंट B1.1.7.1। यह भारत का वेरिएंट है भी या नहीं, WHO ने क्या कहा, आइए पूरा देखते हैं। अब तक भारत में फैले जिस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताया जा रहा है, वो भारतीय वेरिएंट है ही नहीं। न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी वेरिएंट को किसी अमुक देश का नाम देता है। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है। भारत में कोहराम मचा रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर में वायरस ने जिस प्रकार B1.1.7 को भारतीय वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, वो दरअसल भारतीय वेरिएंट है ही नहीं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्पष्ट तौर पर कहा ही नहीं है कि B1.1.7 जानलेवा वायरस का एक भारतीय प्रकार है। हालांकि संगठन ने ये जरूर कहा है कि इससे पूरी दुनिया को खतरा है और इससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बयान में स्पष्ट किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार कोरोना वायरस के B1.1.7 प्रकार को भारतीय वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस तरह की बातें पूरी तरह से आधारहीन है और बेबुनियाद है। बयान में ये भी स्पष्ट किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 32 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी भारतीय शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना था कि वायरस का B1.1.7 वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया था, जिसको लेकर संगठन ने विश्व स्तर पर चिंता जाहिर की थी। संगठन का विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया के मुताबिक इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। संगठन के मुताबिक 11 मई तक कोरोना वायरस के करीब 4500 सीक्वेंस GISAID को अपलोड किया जा चुका है। संगठन को इसके बाबत सभी 6 क्षेत्रों और अन्य 5 देशों से भी रिपोर्ट हासिल हुई है। कोरोना के B1.1.7 वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। संगठन की तरफ से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि संगठन किसी भी वायरस के वेरिएंट को किसी अमुक देश से जोड़कर नाम नहीं देता। वो केवल इस बात का ध्यान रखता है कि वो अमुक वेरिएंट पहली बार कहां पर देखा गया है। इसके बाद इस वेरिएंट को एक नाम देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बहरहाल वायरस का वेरिएंट कोई भी हो, आप अपने को सुरक्षित रखें और देश दुनिया की टॉप खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।